रणजी ट्रॉफी बड़ौदा के लिए खेलने वाले विष्णु सोलंकी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस खिलाड़ी की नवजात बच्ची के बाद अब पिता का भी निधन हो गया। वो भुवनेश्वर में चंडीगढ़ के खिलाफ रणजी ट्रॉफी खेल रही थी। इस बारे में जब उन्हें पता चला तो उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि वो मैच के बाद पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, लेकिन देर होने के चलते उनके पिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। विष्णु इस दौरान वीडियो कॉल पर थी। बड़ौदा टीम के मैनेजर ने विष्णु के पिता के निधन की खबर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विष्णु ने वीडियो कॉल पर ड्रेसिंग रूम के एक कोने में बैठकर पिता का अंतिम संस्कार देखा। राज्य संघ के सचिव अजीत लेले ने बताया कि सोलंकी को घर जाने के लिए कहा गया था, लेकिन विष्णु ने मना कर दिया। बता दें कि विष्णु सोलंकी के पिता करीब 2 महीने से बीमार थे और मेडिकल इमरजेंसी से जूझ रहे थे। विष्णु अगर जाने का फैसला भी लेते तो वक्त पर घर नहीं पहुंच पाते। पिता के निधन से पहले विष्णु सोलंकी ने अपनी नवजात बेटी को भी खो दिया था। सोलंकी की बेटी का जन्म 10 फरवरी को हुआ था और जन्म के तुरंत बाद खराब सेहत के चलते इस दुनिया को छोड़कर चली गई। बेटी के निधन ने विष्णु को झकझोर दिया था, लेकिन वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर मैदान में उतरे और अपनी टीम के लिए शतक जड़ा। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन ने उन्हें रियल हीरो बताया है। उनकी इस दिलेरी वाली पारी को देखकर हर कोई सलाम कर रहा है। वहीं सौराष्ट्र के लिए रणजी ट्रॉफी खेल रहे बल्लेबाज शेल्डन जैक्सन ने ट्वीट कर लिखा कि मैं जितने खिलाड़ियों को जानता हूं शायद ही कोई इतना टफ प्लेयर हो। मेरी ओर से विष्णु और उनके परिवार को सलाम। मैं चाहूंगा कि अभी ऐसे और शतक उनके बल्ले से निकलते दिखें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।